हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हेल्थ क्या होती है और पर्सनल हेल्थ क्या होती है और कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था डिजीज़ क्या होते हैं, सिंड्रोम्स क्या होते हैं और साइन और सिम्टम ऑफ अ डिजीज़ क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ जो होती है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना तो अब हम लोगों को समझ में आ ही चुका है कि जो कम्युनिटी हेल्थ होती है दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पर्सनल हेल्थ, यानी कि किसी भी कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो इंडिविजुअल की मेंटल और सोशल हेल्थ को डेफिनेटली अफेक्ट करती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की पर्सनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें डेफिनेटली उसकी कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। सो लेट अस टॉक टुडे अबाउट द मेजर्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि जो कैसे कैसे हम लोग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ होती है उसको। तो उसमें सबसे पहले आता है मेंटेनिंग द प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि हमें जो एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से हमारी लॉकडाउन के दौरान भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो सैनिटेशन जो प्रोसेस होता है एनवायरनमेंट का, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द क्लीन एंड द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पूरा अच्छे से जो पानी और एयर पोल्यूशन वगैरह सब कुछ कम करके हम लोगों को क्या करना चाहिए जी, प्रॉपर क्लीन एंड द सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइडिंग द गुड सीवेज रेन वाटर डिस्पोजल सिस्टम थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स कॉल्ड द सीवर एंड द ड्रेन चैनल, यानी कि जो नाले वगैरह हैं या जो नालियाँ वगैरह हैं उनको प्रॉपरली बिल्डअप करना चाहिए, ताकि जो पानी है, जो गंदा पानी है, वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो, वो हमारी जो भी पानी, जो गंदा पानी है वो प्रॉपरली हमें जहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है या ड्रेन आउट करना है वहीं पर जाकर ड्रेन आउट हो थ्रू द ड्रेन चैनल्स। तो इस तरीके से इन दो तरीक़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हमारे एनवायरनमेंट को सैनिटाइज कर सकते हैं ना प्रॉपर वे। ओके, द सेकेंड टाइप सेकेंड मेजर जो होता है वो होता है प्रोवाइडिंग द प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ डिजीज़, सच एज वैक्सीनेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट प्रॉपर टाइम, स्प्रेइंग मॉस्किटोज एंड जर्म किलिंग सब्सटेंसेज एट द रेगुलर इंटरवल। तो इसके अंदर क्या होता है जी, हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं हमारी कम्युनिटी हेल्थ को, उसके लिए हमें प्रॉपर प्रिवेंशंस और कंट्रोल लेने होंगे, लाइक वैक्सीनेशंस। आप लोगों को पता है जी, पोलियो जो होता है उसका वैक्सीनेशन देते हैं हम लोग बच्चों को, ताकि जो पोलियो की बीमारी है वो फैले ना, ठीक है, या बच्चे के अंदर पोलियो की बीमारी ना हो। वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे शुरू हुआ था, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोग अभी भी देख पा रहे हैं कि जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है उस दौरान हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो स्प्रे है वो किसको मारने के लिए है, कोरोना वायरस को मारने के लिए। तो ऐसे ही जब मलेरिया का टाइम आता है, जब मलेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो उस दौरान भी हमारे पास क्या होता है, हम लोग स्प्रे करते हैं, और उस स्प्रे के दौरान हम लोग मॉस्किटोज़ को मारते हैं जो बीमारी फैलाने वाले मॉस्किटोज़ हैं, और जनरली जो जर्म्स होते हैं, क्योंकि जर्म्स बेसिकली बीमारी फैलाने का काम ही करते हैं, तो जर्म्स को मारने वाले चीज़ों का स्प्रे करते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल। इसके अलावा हमें हर इंडिविजुअल को हेल्थ एजुकेशन भी देनी चाहिए, ताकि वो खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखे और अपने आसपास के लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखे। जैसे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि COVID-19 की वजह से जो हेल्थ एजुकेशन जो हमें प्रोवाइड की जा रही है, इवन प्रोवाइडिंग द स्पेशल एप्स कि जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोरोना वायरस कैसे मूव कर रहा है, कैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कैसे कम्युनिकेट हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हाउ इट इज़ ट्रांसफरिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कोरोना वायरस फैल रहा है कि टच करने से आँखों के पास हाथ ना लेकर जाएं, स्नीजिंग वगैरह, तो ये इन सब चीज़ों से क्या कर रहे हैं हम लोग जी, हेल्थ एजुकेशन बढ़ा रहे हैं लोगों की, ताकि लोगों को पता हो कि हम लोग कैसे कोरोना की जो साइकिल है उसको तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग द ग्रीन ओपन स्पेसेस, गार्डन एंड प्लेग्राउंड्स टू गेट क्लीन एयर। डेफिनेटली एयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ, तो एयर भी हमें क्लीन चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए जी, ग्रीन ओपन स्पेसेस होने चाहिए, यानी कि जहाँ पर घास वगैरह उगा रखी हो, गार्डन्स वगैरह हो, प्लेग्राउंड्स हो बच्चों के लिए, और हमें अच्छी एयर मिले। देन वी शुड प्रोवाइड द न्यूट्रिशियस फूड टू द चिल्ड्रन, स्पेशली जो गरीब बच्चे हैं या जो स्कूल में स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, तो उन लोगों के अंदर मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड देना चाहिए, यानी कि प्रोटीन की अमाउंट अच्छी होनी चाहिए। तो एक ऐसा खाना जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, ऐसा खाना हमें उन बच्चों को देना चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ अ फूड एंड मिल्क, एंड दे शुड बी हेल्दी, बिकॉज अ हेल्दी माइंड कॉन्टेन द और हेल्दी ब्रेन कॉन्टेन द एवरी पॉसिबल थिंकिंग पॉजिटिविटी इन देयर बॉडी। ओके, देन प्रिवेंशन ऑफ द ब्रीडिंग साइट्स फॉर द हार्मफुल इंसेक्ट्स, लाइक मैंने अभी ऊपर बताया था कि हम लोग स्प्रे करते हैं जब मलेरिया वगैरह का जो सीज़न होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि उनका ब्रीडिंग टाइम चल रहा होता है, और जब अगर हम उनको अगर हमें उन्हें इवेड करना है, तो उस दौरान हम लोगों को क्या करना चाहिए जी, उनकी ब्रीडिंग साइट्स के टाइम पे उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए बाय एनी मेथड लाइक स्प्रेइंग, ओके, और सैनिटाइजेशन मेथड। वी शुड हैव द प्रोविज़न फॉर द वैक्सीनेशन, हमारे पास वैक्सीनेशंस के लिए प्रावधान होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीनेशन कब देनी चाहिए। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका खामियाजा हमें किस हाल में भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो जितना भी पॉसिबल हो हमें मैक्सिमम डिजीज़ जो हमारे आसपास होती रहती हैं, तो बच्चों को उनके उनका टीकाकरण करना चाहिए उन बीमारियों को लेकर, ताकि ये जो बीमारियां हैं ये आगे ना फैले बच्चे के अंदर। नेक्स्ट, मेडिकल केयर शुड बी गिवन टू द इन्फेंट्स एंड द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो प्रॉपर मेडिकल केयर देनी चाहिए छोटे बच्चों को, ताकि बीमारियां जो हैं उनको ज़्यादा ना हो। इसके अलावा वी शुड एजुकेट द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सनल एंड द डोमेस्टिक हाइजीन, यानी कि साफ़ सफाई का क्या फ़ायदा है ये हमें लोगों को बताना चाहिए, और अब तो शायद लॉकडाउन के दौरान हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है कि साफ़ सफाई का फ़ायदा क्या होता है। लास्ट बट नॉट द लेस्ट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज सच एज़ द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, विलेज ब्लॉक हॉस्पिटलिटीज़ या हॉस्पिटल्स। तो आपने देखा होगा कि जी गाँवों में भी आजकल हॉस्पिटल्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, विलेज ब्लॉक हॉस्पिटल्स। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो अगर हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रेजेंट रहेंगे, तो जो लोग हैं वो इजीली अफोर्ड कर पाएंगे टू मूव इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एंड बाय दिस मेथड वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज़ अमंग द पीपल। ओके, तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हमें कम्युनिटी हेल्थ के लिए लेने चाहिए, ताकि कम्युनिटी हेल्थ बढ़ेगी तो डेफिनेटली वी हैव द इंक्रीज इन द पर्सनल हेल्थ ऑल्सो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।